फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का हमारा डे 10 है। इसमें हम आपको बताएंगे जो शिफ्ट की जो होती है, हमारी दो होती हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट की का जो हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर प्रिंट करने के लिए, और जो स्पेशल करेक्टर होते हैं या किसी भी की के ऊपर जो हमारा ऊपर जो सिंबल होता है उसको प्रेस करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए हमें शिफ्ट की प्रेस करनी होती है उस टाइम के लिए जब वो प्रिंट हमें करना है। और हम कैपिटल कैप में, अगर हमें कैप्स लॉक में अगर टाइप करना है, तो उसके लिए हम कैप्स लॉक को अगर ऑन कर देंगे तो कंटिन्यूसली कैप में आएगा। जैसे हमें नेम प्रिंट करना है तो पहला करेक्टर हमारा कैप्स लॉक होना चाहिए, तो उसके लिए हम कैप्स लॉक को नहीं करेंगे, हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम आपको उस पर जल्द से जल्द जवाब देंगे। तो देखिए, हमारा जो आपका थंब रूल रहता है वो सेम रहता है, अपनी कीज़ हमें इस तरीके से ही प्लेस करनी है, और एक हमारा जो शिफ्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, वो इस तरीके से हम छोटी लेफ्ट हैंड की उंगली से यूज़ करेंगे, और इधर हमारी राइट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हमें कुछ प्रिंट करना है, जैसे माई नेम इज़ राघव, तो हमें जो शिफ्ट माई एम लिखना है तो स्मॉल शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पर एम प्रेस करेंगे, माई नेम स्पेस इज राघव। तो इस तरीके से हम जो शिफ्ट का है वो यूज़ करेंगे। अब अगर हमें यूज़ करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर देन लेस देन है, डबल कोट्स हैं और सेमी कोलन है, इसके ऊपर जो हमारी कीज़ हैं इनको हम कैसे प्रेस करेंगे, इसके लिए हमें किस तरीके से यूज़ करना है। शिफ्ट की हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड फिंगर से, और इधर हम राइट हैंड फिंगर से इनको प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने शिफ्ट का यूज़ करते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमें जो हमारी नंबर रो में है, जो हमारे स्पेशल करेक्टर हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको अगर हमें प्रेस करना है तो इसका किस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे शिफ्ट की में, शिफ्ट की हम किस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे कि ये हम स्पेशल करेक्टर को प्रिंट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको पता ही है थंब रूल अपना ये है। तो हम जो यूज़ करेंगे ये 1 से लेके 5 तक जो हमारी कीज़ रहेंगी, इन कीज़ के ऊपर जो स्पेशल करेक्टर हैं वो हम राइट हैंड की राइट हैंड फिंगर से, जो छोटी फिंगर है उससे शिफ्ट को प्रेस करेंगे, और इधर से अपनी कीज़ को प्रेस करेंगे। उसी प्रकार से अगर 6 से लेके 0 तक अपना है, और ये माइनस और ये प्लस वाला भी है, इसके लिए भी हम शिफ्ट की जो प्रेस की जाएगी वो की जाएगी लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर से, और राइट हैंड से हम इन स्पेशल करेक्टर को प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें शिफ्ट की को प्रेस करना है जिससे कि हमें कोई भी कठिनाई ना हो। आप सुबह शाम को थोड़ा सा टाइम देके शिफ्ट की का यूज़ कीजिए। अगली बार जो मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा, कुछ आपके लिए अल्फ़ाबेट्स या कुछ वर्ड्स दूंगा जो शिफ्ट की प्रेस हेल्प से आप प्रेस करेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अभी जो भी आपको शिफ्ट की का यूज़ करना है वो इस तरीके से कीजिए कि अपने जितने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके नेम प्रिंट कीजिए। आप 20, 25, 30 जितना आपको टाइम मिले, तो पहला जो हमारा करेक्टर रहेगा वो कैप में रहेगा, कैप्स लॉक में, और बाकी जो रहेंगे वो स्मॉल में रहेंगे। तो आप शिफ्ट का इस तरीके से उपयोग करें और अपनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ वर्ड देंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग में कुछ सुधार या कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके का ट्रेनिंग मटेरियल हमारे चैनल पर मिलता रहता है। धन्यवाद।